गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर, जो 814 के आसपास अपडेट होने वाली हैं, आने वाली हैं भर्तियां, उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का, जिनका कहना है कि वन सेवा चयन समिति का गठन करने का आदेश दे दिया गया है। इट मीन्स यार, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो क्या मतलब युवाओं को इस तरह से अपना गुस्सा युवाओं पर निकालेंगे क्या? तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके साथ कि जो न्यू भर्ती आने वाली फॉरेस्ट गार्ड की, उसको अब क्या ये आयोग का उसका एग्ज़ाम, आयोग के द्वारा उसका एग्ज़ाम होगा या फिर स्वयं वन विभाग उसका एग्ज़ाम कराएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से वन मंत्री हरक सिंह रावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस पूरे फुल मूड में है कि इसका आयोजन जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि PCCF हॉफ को वन सेवा से संबंधित अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए वन सेवा चयन समिति के गठन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, यानी कि अब नई नियमावली तैयार हुई जिसके तहत उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां अब वन विभाग से डायरेक्ट DFO के माध्यम से होंगी। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि DFO के माध्यम से ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, वहां उनके खुद के आदमी भर्ती होते हैं। यार अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं, बाकी कमेंट आपका है, कुछ भी लिख सकते हो। इससे विभाग में भर्ती की प्रक्रिया तेजी होगी। आपको क्या लगता है कि DFO के माध्यम से अगर ये भर्तियां होंगी तो क्या इनमें ये भर्तियों में स्पीड लाई जा सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है मुझे लगता है बस टाल मटोल ही है, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो इसका जो राज्य मंत्रिमंडल की एक जो बैठक हुई है उसमें ये प्रस्ताव लाया गया है कि वन विभाग अब खुद जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का आयोजन कराएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर ये आरोप लगाए हैं। पहले भी वो इस बात को कह चुके हैं कि 4 साल में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं करा पा रहा। अरे यार क्यों नहीं करा पा रहा, सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, सारी चीज़ें आप देखते हो, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 साल में भर्ती नहीं करा पा रहा? तो ये जो है ना, ये मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, ये आरोप लगाना छोड़ दीजिए, किसी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने के बजाय आप दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। अगर आपने शुरू में ही इस बात का ध्यान दिया होता तो आज तक फॉरेस्ट गार्ड की 1218 जो पोस्ट आई थी उन पे भर्ती हो गई होती। लेकिन आप तो चुनावी साल है ना, पल्ला जो है आप जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे झाड़ो, जो कि बहुत ही गलत है। उसके अगर उन्होंने कहा कि वन सेवा चयन समिति का गठन होगा जिसके तहत जो है अब जो नई भर्तियां होंगी, यानी कि जो नई भर्ती 814 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड के आने वाली है, अब वो वन विभाग से होगी, यानी कि DFO के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है साल में आप देख सकते हैं हर वर्ष 250 से 300 पद खाली होते हैं। क्यों, अगर हर वर्ष 250 से 300 पद खाली होते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर साल आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते थे। तो यहाँ पर सारी डिटेल है यार, अब देखते हैं अब क्या होता है, नई नियमावली आती है कि नहीं आती है, कब तक आती है और ये कब तक अपनी जुबान पर अटके रहती है, क्योंकि यही वो मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था नहीं कि DFO के माध्यम से नहीं होगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कही, अधीनस्थ चयन आयोग ने खुद एक्सेप्ट किया है और हमने खुद वीडियो बनाया 2-3 दिन पहले कि हाँ फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों का अधियाचन हमारे पास आ चुका। तो तभी आज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होगी अधीनस्थ सेवा आयोग नहीं होगी, क्योंकि वो 4 साल में एक भर्ती नहीं करा पा रहा। इसके मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी कुछ भी अपडेट होगा आपके माध्यम से हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।